मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंटरनेशनल कंपनी में भारत का स्टेशन बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या है। इकॉनॉमी के जहां तक सवाल है, पहले भारत की इकॉनॉमी फ्रेजाइल फाइल में खड़ी थी, आज हम फेबुलस फाइल में आकर खड़े हो गए। ये मॉर्गन स्टेनली फर्म कहां की है, एक बात है यूएस की है, मॉर्गन स्टेनली ये फाइनेंशियल फर्म है, मैं नहीं कह रहा हूं। मॉर्गन स्टेनली इसका दावा है कि 2027 आते आते भारत को की इकॉनॉमी को दुनिया की टॉप थ्री कंट्रीज में आने से कोई रोक नहीं सकता। टॉप थ्री के बारे में पहले जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस रिलेटेड जितने भी आइटम्स हुआ करते थे हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे। इंडियन डायस्पोरा के मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं जिस हमारी गवर्नमेंट बनी थी उस समय भारत का डिफेंस रिलेटेड आइटम्स का जो एक्सपोर्ट होता था वो 600 करोड़ होता था। आज 10 वर्षों के अंदर हम मोर देन मैंने 21,000 करोड़ तो कहते हैं लेकिन मैं जानता हूं 23,000 करोड़ पहुंच गया। अब हम लोगों ने मोर देन 5,000 एडे आइटम्स की एक पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बनाई है, पॉजिटिव रूप से नाम दिया है इंडिजनाइजेशन लिस्ट। यह आइटम्स किसी भी सूरत में दुनिया के दूसरों से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये सारे आइटम बनेंगे भारत में, बनेंगे भारतवासियों की आंखों से, बनेंगे भारत की धरती पर ही।